जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ CISF में ASI की वैकेंसी निकल चुकी है, 519 पदों पर भर्ती होने वाला है। ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यानी हाउ टू सिलेक्शन प्रोसेस CISF 519 पद पे कैसे भर्ती होने वाला, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर लिखा गया है क्या, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 519 पदों पर भर्ती होने वाला है न्यू दिल्ली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स NCISF में ASI के पद पर 519 पदों पर भर्ती ASI इंस्पेक्टर कपड़ी LDC। और ये आपका लास्ट डेट जो आपका है दोस्तों, दिसंबर 12 दिसंबर तक लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ रिस्पेक्टिव जनरल DIG 22 दिसंबर 2019, कंप्लीट ऑफ चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड DIG नोएडा 21। और यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन का भी दे दिया गया, आप लोग ध्यान से देख लें, 24 फरवरी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला, रिक्रेशन ऑफ रिटर्न रिजल्ट 18 मार्च को होने वाला है, और फिजिकल आपका स्टार्ट 4 अप्रैल को होगा, स्टार्ट ऑफ मेडिकल 6 मई को होगा, रीमेडिकल 2 जून 2019 को होगा, और बेसिक ट्रेनिंग आपका 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, और अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट एनी कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल जी एंड कॉन्स्टेबल ट्रेनर्स हुए हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स रेगुलर। यहाँ पर साफ साफ ये आप बात आप लोग ध्यान दे रहे, जितने भी CISF में सर्विस कर रहे हैं वो 5 साल नौकरी के लिए हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, और किन्हीं के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, अदर के लिए नहीं निकाला गया। साफ साफ समझ, जो भी हैं ट्रेडमैन्स हैं GD हैं वो 5 साल सर्विस अगर कर लिए हैं 1/8/2018 तक, ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसी है खास करके, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ASI के लिए, और नहीं तो नहीं, 5 ईयर्स का बढ़े। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया, दी कैंडिडेट शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑफ जनरल DIG न्यू दिल्ली DIG चेन्नई मुंबई पटना एंड कोलकाता, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस एलिजिबिलिटी जो है 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस और बेसिस ट्रेनिंग इन ग्रेड में 5 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस कॉन्स्टेबल GD हेड कॉन्स्टेबल GD एंड कॉन्स्टेबल ट्रेडमर्स 1 अगस्त 2018। यहाँ पर साफ साफ देख सकते लिखा हुआ है, ध्यान से देख लें आप लोग। और आगे मैं दिखाता हूँ, जो कि एज की बात करूँ तो 35 साल मांगा गया है, ठीक है ना, 1 अगस्त 2018 तक आपको 35 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। रिलेक्शन ST SC नो रिलेक्शन OBC एंड नो वैकेंसी फॉर रिजर्व OBC कैटेगरी, 5 ईयर्स का ST SC के लिए आपका है ग्रेजुएशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर फिर वही किया गया है, जनरल का भी वही किया गया है, कोई ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कम्प्लीट, चाहे NIOS किया हो चाहे डिस्टेंस मोस्ट्री किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। फिजिकल की बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर हाइट जिनका है वही भर सकता है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर उनके लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करूँ तो 80-85 है, ST के लिए तो 162 सेंटीमीटर हाइट रहता है सभी में। और बस यही आपका अपडेट था फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ टाइम से पढ़ने देखो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देख रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था ये वीडियो, तो मैंने भी सोचा छोटा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ये अपडेट है 519 पद पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन डेट आपका लास्ट जो डेट है 12 दिसंबर तक है 2018 तक, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर लें। कोई एप्लीकेशन फी आपका इसमें नहीं ज़्यादा लग रहा, नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आगे आता मैं देख लूँगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं उस पर हमेशा अपडेट देते रहता हूँ PDF फाइल ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।